बंदर का आतंक मुजफ्फरपुर में इन दिनों बंदर का आतंक देखने को मिल रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान है और मदद के लिए वन विभाग से गुहार लगा रहे हैं। मामला जिले के मरवन प्रखंड अंतर्गत पकड़ी पंचायत के बतनाराम गांव का है, जहां के ग्रामीण इन दिनों बंदरों के खौफ के बीच जीने को विवश हैं। बंदरों का झुंड कभी उनके दाल चावल तो कभी रोटी तो कभी खेतों में लगे फसलों या बुआई के समय लगाए गए बीजों को चट कर जाता है, जिससे उन्हें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कई बार तो बंदरों ने छोटे छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक को अपना शिकार बनाया और काट कर घायल कर दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि वन विभाग में शिकायत करने के बाद भी विभाग अब तक उन्हें इस समस्या से छुटकारा दिलाने में असफल रहा है। आया हुआ था उसको मारने के लिए गए डंटा लेकर के, बस 8-10-12 गो 15 गो बंदर आ करके हम ही पर लुबुद गया और हम ही पर वार करने लगा। कितना बंदर है यहाँ पर? 1000 से ऊपर है। कैसे आप लोग रह रही हैं इस बंदर के आतंक से? यहाँ तो बहुत तबाही में हम लोग गुजर कर रहे हैं। यहाँ खाना पीना जो रहता है घर में, थोड़ा सा गेट खुला रहता है, घुस जाता है घर में से लेकर के भाग जाता है। क्या नाम है आपका? का रोटी लेके भाग जाता है, कभी दाल लेके भाग जाता है, कभी चीनी लेके भाग जाता है। लड़का सर दौड़ता है तो उसको काटने के लिए तैयार हो जाता है। इसके लिए सर हम लोग वन विभाग से आवेदन किए थे, बोले थे तो बोले कि यही जो कि आप लोग पकड़िए और आप लोग हमको फोन कीजिएगा तो मेरा सेवा आपके लिए उपलब्ध रहेगा, और आप चाहिएगा जो हम आके वन विभाग के आदमी आके हम यहाँ गाँव में सेवा दे तो ये नामुमकिन बात है, ये हमसे नहीं हो पाएगा। और हमारा आदमी इतना फुर्सत में नहीं है जो कि गाड़ी से आवे यहाँ पकड़ के ले जाए। आप रिश्वत भी दीजिएगा तो पर भी हमसे काम असंभव है, संभव नहीं है। और बारंबार हम लोग कहें जो सर तो हम लोग पकड़ेंगे या उसको काट लेता है तो दवा भी लो, हम लोग अपना पाकिट से कराते हैं। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, मेहनत से करते हैं, वो आता है कभी बिचड़ा छीटे तो चुन के खा गया, जब सियाना हुआ तो उसका अकुरन खा जाता है। कई तारीख को आप लोग आवेदन किए थे? कई तारीख को? अभी 2 महीना हो गया सर, धान रोपने से के बाद आया था। तो हम लोग यहाँ मेहराब बना के जाल बना के रखे हुए हैं, उसी में लगभग फंसा था 10 गो, लेकिन इसमें से कुछ भाग गया, 5-7 गो पकड़ाया, जिसमें से वन विभाग को साथ 5 गो या 6 गो उनको बरामद हुई थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर हुआ संतोष कुमार सिंह।